जब घड़ी सारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। RBS लाइव इंडिया पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम इस समय कुमरपुरा क्षेत्र में हैं, जहां पर लोग वोटिंग डाल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग नई सरकार को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं। गाजीपुर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पर अभी हमने आपको बताया कि कुछ बुजुर्ग लोग भी यहां पर आ रहे हैं, कुछ जो यहां की जो लोकल फैमिली के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, पर अभी मेरे साथ में जो हैं वो मुंबई से यहां पर आए हुए हैं। ये एक बड़ी बात है, इसलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? प्रियंका चौरसी जी, आप मुंबई से आए? हाँ, मुंबई से। सिर्फ वोट डालने के लिए आए? हाँ, सिर्फ वोट डालने के लिए। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर में क्या पूरे भारत के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से निकल करके वोट डालने नहीं जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप मुंबई से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। नहीं, वोट सबको डालना चाहिए, हमारा अधिकार है और ये तो इसी से हम अपने पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें किसको ये अधिकार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम नहीं देखेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये प्रॉब्लम तो हमारी है ना, फिर आप ऐसे बोल नहीं सकते। इसीलिए हमें अभी अपना वोट देना है और हर किसी को अपना वोट देना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। आपको कब मालूम पड़ा था कि ये वोटिंग है वो 28 तारीख को यहाँ होने वाली है? मुझे 10-15 दिन पहले पता चल गया था। तो आप मुंबई में रहते हैं, यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं क्या आप उनसे वाकिफ हैं? आपको पता है कि यहाँ लोकल समस्याएं क्या है या लोकल इशू क्या है? हाँ, जैसे रोड का भी मेन इशू है जी। यहाँ का रोड कुछ ऐसा रहता है, बनाया फिर एक मंथ बाद फिर टूट गया जी। तो इसमें तो प्रॉब्लम है ना सबको। तो आपने जब वहाँ से आने के लिए यहाँ पर सोचा तो जो छुट्टी थी वो आपको इजी तरीके से मिल गई या आपको मुंबई में थोड़ा इसके लिए संघर्ष करना पड़ा? नहीं, इजीली तो कुछ भी नहीं मिलता है, प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल इजी नहीं है जी। बट सबको पता है वोटिंग तो इम्पोर्टेंट है, इग्नोर भी नहीं कर सकते और कोई इस रीजन के लिए कोई मना भी नहीं कर सकता। आपके साथ में आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं। हाँ। जब आपने उनसे बोला हुआ कि मुझे वोट डालने के लिए ग्वालियर जाना है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आपको मना किया कि अरे वोट डालने के लिए? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, इवन बोला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए और हम साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे? तो इनके हस्बैंड भी हैं साथ में, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? नितेश। नितेश जी, आप अपनी वाइफ को यहाँ ग्वालियर में वोट डालने के लिए लेकर आए हैं, तो मतलब आपको अंदर से वाइफ ने लड़ाई झगड़ा किया या आपको सेम बोला नहीं है मुझे जानना चाहिए? एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे तो मौका अभी तक नहीं मिल पाया वोट देने का, लेकिन इसे मौका मिलता है, इसे लास्ट ईयर भी दिया था। मैरिज के बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए तो मैंने बोला नहीं वोट तो देना चाहिए, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, एटलीस्ट तुम्हें तो यूज़ करना चाहिए अपने अधिकार का। वोटिंग जब हम डालने आते हैं बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपको लगता है कि राजनीति में भी पढ़े लिखे प्रत्याशी को होना जरूरी है? बिल्कुल, पढ़े लिखे होने के बाद ही हम कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटजी बना सकते हैं कैसे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। अभी कोई भी इंसान आ जाता है उसको हम उनके जो सेक्रेटरी रहते हैं वो उनको फीड करते हैं कि सर आप ऐसा करो ऐसा करो, तो अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो डेवलपमेंट का वर्क ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाता है। तो अगर एजुकेटेड लोग रहेंगे तो अच्छे तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हैं। कई बार एक लोग ये भी कहते हैं कि एक वोट से क्या होगा, मेरे अकेले एक वोट से क्या होगा, आपको लगता है कि एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा? कहना है और वही लोग बोलते हैं जो बाद में फिर गवर्नमेंट को गाली देते हैं जी। पहले वोट देंगे नहीं और फिर बाद में गवर्नमेंट को ही गाली देंगे। कई बार एक वोट से भी सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से टूट गई थी, गिर गई थी सरकार, तो एक वोट का बड़ा महत्व होता है। वो तो है ही, मतलब एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हम एक भी वोट इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इस बार तो बहुत क्लोजर डिसीजन होने वाला है जी, इसलिए एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने वोट की ताकत पता है? पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें ये वोट 5 साल में एक बार मिलता है और उसको कभी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए और ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको निभाना भी चाहिए। हम अक्सर चूक कर जाते हैं
जब हमारे पास मौका होता है सरकार बनाने का, हमारे को अपने अच्छे प्रत्याशी चुनने का, उस समय हम कहीं ना कहीं वोट डालने नहीं जाते हैं और हम चूक कर जाते हैं। और हमारे एक वोट नहीं डालने से कई बार ऐसे प्रत्याशी जीत जाते हैं जो कि उस लायक नहीं होते हैं, और फिर हम बाद में कोसते हैं कि साहब ये विधायक खराब है, ये सरकार खराब है। लेकिन उस सरकार को चुनने का जब वक्त आता तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। लेकिन ये जो फैमिली है, ये मुंबई से चलकर के ग्वालियर तक आई है, ये एक मिसाल है। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इनको देख करके अगर आप वोट डालने आते हैं तो शायद आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं कि अभी ये वोट डाल करके आए हैं और निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणा का काम करने आए हैं। ग्वालियर ये सिर्फ वोट डालने नहीं आए बल्कि बहुत सारे लोगों को ये बताने आए हैं कि एक वोट की ताकत होती क्या है। ग्वालियर में एससी एसटी आंदोलन के समय राजा चौहान नाम का एक शख्स काफी चर्चित रहा था। उनके ऊपर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था जो कि बाद में कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। राजा चौहान हमें अमर भारती विद्यालय पर वोट डालते हुए नजर आए, हमने उनसे भी बात की। कुछ दिन से आंदोलन चला हमारा, उसका प्रभाव तो प्रतिशत जैसा मैंने कहा 11 तारीख को अवश्य रूप से देखेंगे आप, और सरकार जरूर हिलेगी। जो आंदोलन हुआ उसका प्रभाव लोगों में भी चल रहा था कि आंदोलन धीमा पड़ गया, कम पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं था। ग्राउंड लेवल पर हम लोग लड़ रहे थे, पहले आप घर घर जाके हम लोगों ने लाइव स्टार्ट किए, सरकार ने पैसे देकर और लोगों को प्रेशर बना के दबाने की कोशिश की हमारे आंदोलनकारियों को, लेकिन उसका जो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा वो 11 तारीख को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात एक बताइए कि एक वोट, कई बार ऐसा होता है आदमी सोचता है मेरे अकेले वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एक वोट की ताकत क्या होती है? एक वोट की वो ताकत है, अगर आप अकेले खड़े होते हैं सबसे पहले तो उसके पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद जब पीछे कुछ लोग और तैयार होते हैं आपके साथ फिर बातें होती हैं, उसके बाद आपके पीछे एक काफिला चलने लगता है। एक इंसान की और एक वोट की वो ताकत होती है कि पूरे सरकार को जाने की सरकार है। जी, राजा चौहान का कहना है कि एक वोट की ताकत भी बहुत बड़ी होती है, और ये आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी, तो एक वोट में कितनी ताकत होती है पता है। तो एक एक वोट भी बड़ा कीमती होता है, और आप जिस भी प्रत्याशी को वोट देते हैं वो वोटों का जो प्रतिशत उसके साथ जुड़ता है वो कहीं ना कहीं उसका एक नेता का जो एक ताकत होती है वो पता पड़ती है कि ये कितना कद्दावर नेता है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने अभी वोट डाला है तो सरकार जो है, जो अभी सरकार आएगी उससे आपको लगता है कि जो आपने वोट डाला उस पर आपका कुछ हक बनेगा? कुछ कहेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं वो आप सुने, क्योंकि हमने आपको वोट दिया था। हमने तो फूलों को दिया है, फूल को दिया है। नहीं नहीं ठीक है, पूछ रहे उससे क्या नाम है आपका? संजय वोट की अहमियत क्या होती है पता है? वोट की अहमियत, एक व्यक्ति जो भी चाहे तो एक वोट सरकार गिरा सकता है और एक वोट से सरकार बन सकती है। आप सभी लोग अपने अपने वोट के निशान दिखा दिए, सभी लोग जिन्होंने वोट डाले हैं, ये आप देख रहे हैं सभी लोग जो हैं ये वोट डाल करके आए हैं, और सभी लोगों ने अभी अभी वोट डाले हैं, और नई सरकार जो भी बनेगी वो इन सब लोगों के वोटों के आधार पर बनेगी। जिसका वोटों का प्रतिशत ज्यादा होगा वो सरकार बनाएगा, और सरकार बनने के बाद में सरकार की जिम्मेदारी होती है जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखना और सभी वर्ग की भावनाओं का ख्याल रखना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार 11 दिसंबर को जब मत प्रतिशत का जब परिणाम जब सामने आएगा और जो भी सरकार बनाई जाएगी वो मध्य प्रदेश के इतिहास में आगे चल करके सभी समाजों को साथ में लेकर के काम करेगी। 30 पर रिपोर्टिंग के दौरान हमें प्रशासन की गाड़ियां भी नजर आई। और आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था है, सभी अधिकारी जो हैं वो यहां से काम करा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो कलेक्टर ग्वालियर, एसपी ग्वालियर, सभी अधिकारी जो हैं वो मतगणना जहाँ जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जा रहे हैं, वोट यहाँ डाले जा रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस समय ये इस समय आप देख रहे हैं कि ग्वालियर का जो कुंवरपरा क्षेत्र है ये काफी संवेदनशील जगह है, और यहाँ पर पूरी प्रशासन की जो लॉबी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और सभी लोग यहाँ पर ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर एसपी, मैं फोर्स के यहाँ से है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको नजर आ रहे हैं आपको, और पूरा
ग्वालियर में इस समय शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पुलिस के जवान, प्रशासन की टीम, सभी आला अधिकारी यहाँ पर जगह जगह पर निगरानी रखे हुए हैं और पूरा फोर्स इस समय आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में आपको नजर आ रहा होगा। ये इस बार शांतिपूर्ण मतदान जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी मतदान केंद्रों पर पूरी अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं और नजर रखे हुए हैं। हाजीपुर के चौहान पे आउट टॉवर बिल्डिंग पर ने आपको बताया कि वोटिंग का जो लेवल है वो आपको दिखाई दिया था, कितने सारे लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पर हमने बताया था कि वो संवेदनशील भी है, इसलिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी काफी लगा हुआ है। वोटर हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, आपने वोट डाला? मैंने वोट डाला है। किसान दिखाइए। अच्छा, किस तरह का रुझान लग रहा है आपको इस बार? इस तरफ किस तरीके का रुझान लग रहा है आपको? वोटर ने काफ़ी वोट डाला है और मतदाता काफ़ी जागरूक हुआ है पहले से, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस एरिया में आपको सुबह से आप देख रहे होंगे कैसी भीड़ भाड़ दिख रही है वोटिंग के लिए? बहुत अच्छी भीड़ दिख रही है, आदमी बहुत है ना निकल के आ रहा है, काफ़ी वोट डाल रहा है और पुलिस प्रशासन का और शासन का सबका बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ पर पुलिस की पूरी सुरक्षा के बीच में मतदान हो रहा है। जो लोग वोट डालने नहीं आते हैं, घर पर रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे, ये हमारा अधिकार है, मतदान का है ना पर्व है, तो अपन को हर हालत में वोट डालना है। हर हालत में वोट डालना है। सर, आपने वोट डाला है? बिल्कुल डाला। अच्छा, ये बताइए कितना उत्साह रहता है आपको? 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, वोट डालने का, कितना उत्साह रहता है उसको लेकर के? बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और मैं तो यही कहूँगा कि सभी समाज के लोगों को निकल के और वोट डालना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। जो एक 5 साल बाद मिलता है, अच्छी सरकार बनाओ और अच्छे आदमी को कैंडिडेट को चुनाव दे। आपने वोट डाला है? हाँ, दिखाइए। क्या लग रहा है आपको इस बार आपका वोट जो है कितना कीमती रहने वाला है और सरकार जो बनने वाली है उसमें आपके वोट का जो हिसाब किताब है वो आप आगे चल के सरकार से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्योंकि बहुत सारे वादे सरकार ने किए हैं, जो भी सरकार बनती है आपने जिसको भी सपोर्ट किया है, अगर वो सरकार बनती है काम नहीं करती है तो आप उससे हिसाब किताब मांगेंगे नहीं मांगेंगे? हाँ साहब, बिल्कुल मांगेंगे। और हमने तो बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी की सरकार सतीश अग्रवाल ही जीतेंगे हमारे। सतीश अग्रवाल ही तो ये खुल करके बोल रहे हैं, इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है और सतीश अग्रवाल इनके प्रत्याशी हैं। वोट सभी ने डाले हुए हैं, मैं आपको बताऊं, वोट सभी ने डाले हुए हैं और सभी का ये कहना है कि वोट सबका अधिकार है और सबको जरूर डालना चाहिए। वोट डाल दिया आपने? निशान देखिए। अच्छा, इस बार जो आपने वोट डाला है, क्या लगता है आपको कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए रहेगा या सत्ता के साथ रहेगा? सत्ता के साथ रहेगा। कैसा माहौल है इस समय ग्वालियर में वोटिंग को लेकर के? बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण होगा वोटिंग जी। पुलिस प्रशासन और शासन की तरफ से जो योगदान रहा, जो व्यवस्थाएं की गई, वो कैसे? उनके लिए धन्यवाद, शांतिपूर्ण अलग तरीके से चुनाव हुआ है, प्रशासन और शासन के लिए दोनों के लिए धन्यवाद है। क्या उम्मीद है आपको, मतलब आप वोट डालने गए होंगे, मतलब कितना प्रतिशत रहने वाला है इस बार ग्वालियर का? 65% है। 65% है। अच्छा, जो लोग वोट डालने नहीं आते हैं उनको लगता है कि हमारे अकेले वोट नहीं डालने से क्या फ़ायदा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए क्या संदेश देना? लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, जो वोट यही करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। एक वोट की कीमत क्या होती है आपकी नज़र में? थाटीपुर, कुमरपुरा, लश्कर आदि क्षेत्रों में काफ़ी समय बिताने के बाद हम लोग पहुंचे मुरार, जहां हमें काफ़ी वोटर नज़र आए जो कि वोट डाल चुके थे। हमने उनसे भी बात की और नई सरकार के बारे में, उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी चर्चा की। मुरार के बारादरी चौराहे पर हमारे साथ में कुछ मतदाता हैं जो अभी अभी वोट डाल करके आए हैं, इनसे हम पूछते हैं कैसा माहौल रहा है इस बार ग्वालियर में वोटिंग को लेकर के, कैसा माहौल रहा है? बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहा, धाम खड़े हुए हैं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा का हिस्सा है, बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निर्वाचन आयोग का, किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि, किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, घटनाओं को छोड़कर यहाँ नहीं हुई।
और शांतिपूर्ण तरीके से आपने वोट डाला, मतदान दिया। बिल्कुल, सब लोग अपना अपना निशान दिखाएंगे जिन लोगों ने वोट डाला है। आपने वोट डाला, ये सभी लोग आप देख रहे हैं ये वोट डाले हुए। अच्छा, वोट जो नहीं डालता है उनके लिए आपका क्या संदेश है? प्रशासन को सख्ती करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट वाला वो रखना चाहिए। प्रशासन आपको सुविधा दे रहा है, गवर्नमेंट कर्मचारी को छुट्टी दे रहा है, और वैसे भी सभी सुविधाएं दे रहा है लोगों को, प्राइवेट कर्मचारियों को भी छुट्टी का प्रावधान है, तो फिर लोग ऐसे नहीं निकलते, उसका मिस यूज करते हैं। हमने सर कहते हैं गलत लोग चुन के आते हैं, गलत लोग चुन के आएंगे, ये अपन वोट नहीं देंगे। एक वोट की ताकत आप कितनी समझते हैं? एक वोट से आ रही है, वोट डालना चाहिए, वोट जरूरी है, हर व्यक्ति को अपना मत देना भी देने का अधिकार है और डालना भी चाहिए। ग्वालियर में इस बार क्या मतदान का प्रतिशत रह सकता है आपके हिसाब से? ग्वालियर में 60 के करीब हो जाएगा। 60 के करीब। आपने वोट डाला है? हाँ, वोट डाला। जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, कुछ ढिलाईपन तो है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपका जो वोट है, आपका जो वोट है वो जो गवर्नमेंट जो भी बनाएंगे आप सब लोगों के वोट से ही बनेगी, कितनी अपेक्षाएं रहेंगी आपको आने वाली गवर्नमेंट से? स्वाभाविक है, 15 वर्ष से एक ही पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चली आ रही है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की प्यार महसूस हो रही है लोगों को। जनता ने शायद इस बार ये मन बनाया है कि हमें परिवर्तन मध्य प्रदेश में करना है। जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक बात है कि अपेक्षाओं के अनुरूप ही परिवर्तन होता है, और मतदाता को हमेशा सरकार से अपेक्षाएँ रहती हैं और हमेशा अपेक्षा रहना चाहिए। अब ये सरकार का कर्तव्य है कि आने वाली सरकार उन कर्तव्यों को कितने हद तक पूरा करती है, ये अपेक्षाएँ तो हमेशा रहना चाहिए मतदाता को और जनता को। जी, आपने सर वोट डाला? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। अच्छा, जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना क्या है, अब समझ की बात होती है, जैसे वोट डालना चाहिए। जी, अच्छा, वोट डालने के बाद भी सरकार जब काम नहीं करती तो मन दुखी होता है? तो नहीं होता, होता है ना। तो इस बार की सरकार से अपेक्षाएं क्या रहेंगी? अपेक्षाएं तो 10% है। 10% वोट की कीमत सर आप क्या समझते हैं? वोट की बहुत कुछ होती है, बहुत होती कीमत। तो आपका जो वोट है इस बार कुछ नया परिवर्तन लाएगा? अब क्या कह सकते हैं, वो तो जनता के ऊपर है, इधर मुर्गी है। तो आप ही है ना? नहीं तो ला भी सकता है, नहीं ला सकता तो लाना चाहिए, काला जी कहलाता है। तो मतदान के दिन हमारा ये आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय।